चलिए आज हम बनाते हैं ब्रेड की सुपर से भी ऊपर वाली टेस्टी मिठाई, जिसको आप चाहिए ब्रेड टोस्ट रबड़ी कहिए, चाहे घेवर रबड़ी कहिए, जो भी आप इसको नाम दीजिए, लेकिन खाने में इतनी टेस्टी है ना कि आप एक बार इसको बना के खा लेंगे तब बाज़ार से सारी मिठाई ला के खाना भूल जाएंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए झटपट बनाते हैं ब्रेड और रबड़ी की सुपर से भी ऊपर टेस्टी वाली मिठाई। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में हम डालेंगे 200 ml दूध, क्योंकि हम झटपट मिठाई बना रहे हैं तो झटपट मिठाई के लिए झटपट रबड़ी भी तो चाहिए, इसलिए हम इजी रेसिपी बना रहे हैं और ये रबड़ी भी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, हमने 200 ml दूध में, दो दिन की मेरे पास मलाई थी, मलाई भी हमने इसमें डाल दी है, तो हमारी ये बहुत जल्दी से रबड़ी बन जाएगी। तो ये देखिए, हमारे दूध में खूब बढ़िया सा उबाल आ चुका है और इसमें डालेंगे हम चीनी, लेकिन इसको हम ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे, इसलिए इसमें हम 2 चम्मच ही चीनी डालेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे और इसको हम गाढ़ा होने तक की अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए, हमारा दूध आधा हो गया है और इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच, हमने नॉर्मल 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर नॉर्मल टेम्परेचर दूध में घोल के रख लिया है, इसको डाल देंगे इसमें हम और इसको हम चला देंगे फटाफट, नहीं नीचे से लगने लगता है। तो ये देखिए, हमारी इंस्टेंट रबड़ी बनके हो गई तैयार। तो ये देखिए, हमने कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद भी 4-5 मिनट इसको कुबड़े से पका लिया है और देखिए इसी कंटेंट से ऐसे थिक हो गया है, अभी ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम अब हटा देंगे। और इधर लेंगे हमें बाउल और इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी चीनी और 1/2 कटोरी पानी और इसका हम बनाएंगे चाशनी। कोई हमें चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं चाहिए, सिर्फ चीनी घुलने के बाद में इसको हम 3-4 मिनट और अच्छे से पका लेंगे बस। तो ये देखिए, हमने चीनी घुलने के बाद भी इसको 4-5 मिनट बढ़िया से पका लिया है। तो ये देखिए, हमें बस ऐसा चिपचिपा सा ही चाहिए, हमें कोई इसमें तार वार नहीं चाहिए। अब इसको हम कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा होने देंगे। इधर हमने 4 ब्रेड ले ली है, ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड हो, वाइट ब्रेड हो, कोई ब्रेड आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। एंड ब्रेड को हम ऐसे स्लाइस में कट कर लेंगे। ऐसे अपने दोनों ब्रेडों को भी हम कट कर देंगे। इधर हमने तेल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, तेल हमारा गर्म हो गया है, ऐसे अपने ब्रेड के स्लाइसों को डाल देंगे और इनको हम डीप फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 2 मिनट में ही खूब बढ़िया से ब्राउन कलर में फ्राई हो जाएंगे। और ये देखिए, हमारी ब्रेड एक साइड से खूब बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, अब इसको पलट के हम दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक की। और ये देखिए, हमारी दोनों ब्रेड खूब बढ़िया से गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं, अब इनको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में जिसमें हमने पहले से टिशू लगा रखा है और ऐसे अपने हम बाकी के सारे ब्रेडों को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारी बाकी की ब्रेड भी बढ़िया से फ्राई हो चुकी हैं, इनको फ्राई हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे, फ्लेम को स्लो नहीं करना है। तो ये देखिए, हमारी दूसरी भी बैच की ब्रेड सिक गई है, अब इनको भी निकाल लेंगे अपनी स्पेशल मिठाई की प्लेटिंग। तो जो हमने चाशनी की सीरम बनाई थी उसमें इसको डिप करके, हम डुबा के रखना नहीं है, केवल हमको डिप करके निकाल लेना है, बस ऐसे ही डिप करना है, डिप करके निकाल लेना है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम जो हमने झटपट रबड़ी बनाई थी, ये देखिए, एक बार आप इस मिठाई को बना के खा के देखिएगा, आप बाकी सारी मिठाइयाँ खाना भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी लगती है और इतनी झटपट बनके तैयार होती है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और अब इसको गार्निश करेंगे हम बादाम और पिस्ता की कतरन से। तो देखिए, हमारी मिठाई कितनी अच्छी लग रही है, इंस्टेंट मिठाई बनके हो गई तैयार। जब भी आपका झटपट मिठाई खाने का मन करे आप बनाइए और खाइए और बताइए कैसी बनी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेकिन एक बार बना के आप खाइएगा ज़रूर, मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू।